चाहे मिनिस्टर साहब रहते हैं, चाहे एमपी साहब रहते हैं, यहाँ के तमाम लोग आज तक उनका जहाँ को उनका आंसू पहुंचने का काम नहीं कर रहे। इमीडिएट इनको रिलीफ फंड किसानों को देना चाहिए, अगर वो लोग नहीं देंगे तो किसान जो है ऐसे मर जाते हैं। 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन है वो खराब हो चुकी है, अब उसका भुगतान कौन करे? तो हम लोग उशार करे थे ऑलरेडी इनको, तो उसके बावजूद भी इन्हें उशार नहीं है, उसके तरफ से आज जो किसानों को है भुगतना, उसकी सजा जो है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो घर गिरे हैं इनका भी कंपनसेशन नहीं दिया, जो मरे लोग उनका आज तक भी उन्होंने सामने नहीं है, क्योंकि इतना जो खराब टाइम आने के बाद ये डबल इंजन की सरकार सामने नहीं आती हो तो क्या है। फौरी तौर पर हरकत में आकर ये लोगों को अच्छा मुआवजा दें, और ये मुआवजा 10,000 से काफी नहीं होगा। जो फसल 3-4 फीट जो उगी थी फसल, वो भी डूब गई है पूरी तरह से। कि आवाम की तकलीफों को जिला एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, और बारिश सूखने के बाद भी कई जगह तो पानी जो है सैलाब नदी नालों के सरकार भो के पानी चले गया। तो दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। जनता दल सेक्युलर की तरफ से पिछले दिनों तकरीबन 2 महीना पहले हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था DC को कि मुसलसल मूसलाधार बारिश होने की वजह से गुलबर्गा ज़िले में कई सारे इलाकों में फसल बर्बाद हो चुकी है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये हम लोगों का एहसास है कि आवाम की तकलीफ़ों को ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। जो सेंटर से सर्वे के लिए टीम आती है वो भी मुआयना करके जाती है, और मुआयना करने के अलावा ये होना चाहिए था कि बजाय कोई फंक्शन को अटेंड करने के लिए आने की बजाय CM बोम्मई अगर फसलों की जो खस्ता हालत है, जो लोगों की खस्ता हालत हुई है इन दिनों, उसको देखने के लिए यहाँ पर विज़िट करते, यहाँ पर दौरा करते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। पिछले महीने की रिपोर्ट है कि तकरीबन 3.5 लाख हेक्टर ज़मीन की जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। कुल मिलाकर गुलबर्गा या कलबुर्गी ज़िले में 60 लाख हेक्टर ज़मीन है, उसमें से जो 3.5 लाख हेक्टर ज़मीन है वो ख़राब हो चुकी है, अब उसका भुगतान कौन करे? अगर हुकूमत नहीं करती है तो उसका भुगतान कौन करेगा? ना सिर्फ ये बल्कि पूरा का पूरा तालुका, जो हमारे 9 तालुका हैं या 13 तालुका हैं, वो पानी की वजह से जो मूसलाधार मुसलसल बारिश हो रही है और अभी मज़ीद 10 दिन बारिश होनी है, उसको देखते हुए फौरी तौर पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में नहीं आता है और लोगों को मुआवजा नहीं देता है तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना चाहिए और किसानों की जो ये हालत हुई है उसको देखते हुए उनको मुआवजा देना चाहिए, और 10,000 मुआवजा देने से मसला हल नहीं होता है। हमारे गुलबर्गा के जो MP हैं उन्होंने ये कहा कि 10,000 मुआवजा दिया जाएगा, 10,000 उनका जो नुकसान है उसकी कोई भरपाई नहीं है। उनका नुकसान क्या? उनको जो पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, जो उनको पेस्टिसाइड्स ख़रीदने पड़ते हैं, उसकी तक भरपाई नहीं होगी इससे। तो लिहाजा मेरी और जनता दल सेक्युलर के तमाम कारकुनों की तरफ से, यूथ डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से मेरी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है, रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर हरकत में आकर ये लोगों को अच्छा मुआवजा दें, और ये मुआवजा 10,000 से काफ़ी नहीं होगा। ये मैं अपील करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को ये गुजारिश करता हूँ, और ख़ास करके CM बोम्मई को, कि इतनी बड़ी तादाद में अगर फसल ख़राब होती है तो उनका काम है कि यहाँ पर आकर वो ख़ुद सर्वे करें और सर्वे करके सही मुआवजा किसानों को दें। देखिए, हर ये अब तक जो पानी आया है, बारिश आई, मैं समझता हूँ 30-35-40 साल के अंदर ये पहली बार पानी आया है इतना, ये इतना 100% मतलब इतने बड़े पैमाने पे अगर किसी का नुकसान हुआ है तो किसानों का हुआ है, और बारिश इतना आने के बावजूद 100% फसल उनकी लोगों की किसानों की ख़राब होने के बावजूद आए दिन देखने को आ रहा है कि भाई
फसल जो है पूरा पानी में डूब गई, उनका जो डालने का जो मतलब जो था, जो फसल तीन तीन चार चार फीट जो उगी थी फसल, वो भी डूब गई है पूरी तरह से। ऊपर से कई जगह तो नाम को दिख रही है भाई यहाँ पर फसल है बोलिए, वरना कुछ 99% जो है फसल पूरी अंदर डूब गई है। डूबने के तरफ से पूरा जो फसल का जो था, जो जैसा जवारी है, जो दूसरे जवारी एक ही है जो दिख के आ रही, बाकी की जो फसल रहे छोटी रहती है, वो फसल तो टोटली अब तक इतने दिन जो पानी, दो महीने से पानी जो आए दिन कंटिन्यू बारिश आ रहा है, उसके तरफ से पानी में इतने दिन रहने के बाद फसल की हालत क्या हो जाती, पूरा सड़ गई, पूरा फसल खराब हो गई। और बारिश सूखने के बाद भी कई जगह तो पानी जो है सैलाब नदी नालों के सरकार भो के पानी चले गया, तो जो जा रहा खेतों में, तो वहां पर जो खाद डाले हुए रहती, जो उन्होंने बंदारा बने हुए रहती, जो उन्होंने अपने जो बाउंड्री फिक्सिंग कर लेके जो फसल की तरफ से जो सेफ्टी करे रहती, वो पूरी तरह से नस्तो नाबूद हो गया पूरा। तो इसके तरह से जो परसों दो दिन पहले जुमा के दिन, दो दिन पहले जो सेंटर की टीम आई थी, वो लोग सर्वे के वास्ते आए थे सेंटर गवर्नमेंट से, कर्नाटक को यहाँ पर गुलबर्गा को सर्वे करने आए थे। सर्वे करने आने के बाद हमारे डीसी साहब और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस तहसीलदार पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके जो है सर्वे को गया था, जाके सर्वे करके वहाँ पर अब तक कितने परसेंट फसल खराब हुई उनका आज तक डीसी साहब का स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हम सर्वे करें इतने फसल खराब हो गई, इतनी जगह ये होगा, परसेंटेज जो है पेपर सजेशन देना था उन्होंने, आज तक उनका भी बयान अब तक सामने नहीं आया। और आए दिन हमारे युद्ध की टीम तमाम तालुकों में जाके ये करें सर्वे करने के बाद, हमारी टीम हम जाने के बाद दिख के आ रहा है कि भाई फसल की जो हालत, किसानों की जो हालत है बहुत ही खराब। आज तक इतनी हालत किसानों की नहीं खराब थी, आज जो है बहुत फसलों किसानों की हालत खराब है। तो आप जो है यहाँ के डीसी साहब और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आइए, आना था, अभी तक वो लोग नहीं है, इमीडिएट इनको रिलीफ फंड किसानों को देना चाहिए, अगर वो लोग नहीं देंगे तो किसान जो है ऐसे मर जाते। आज दो साल पहले भी हम, दो साल तीन साल से कंटिन्यू हम ये बारे में हम स्ट्राइक करते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, या स्टेट सीएम साहब को, येडियुरप्पा साहब को भी दिए थे, और ये जो बुम्मा साहब है उनको भी हम ये आज तक हम प्रोटेस्ट करके एक मनवी पत्र दिए थे कि भाई आने वाले दिनों में आप केयरफुल रहो। ये दो तीन महीने पहले भी जब पानी आने के जब हमारे को जब लक्षण थे, तो वो टाइम पर हम इनको हुशार करे थे, भाई आप सो गए हैं, आप हुशार हो जाओ, और जो है किसानों को ये आने वाले दिन में बहुत खराब आने वाला है, वेदर रिपोर्ट बता रही है आपको, इमीडिएट आप जो है यहाँ के जो रूट प्लान, पानी का जो बारिश आता है पहाड़ों पर से गाँव में से जो पानी घुसता है, तो पानी का रूट जो है क्लियर करो, क्योंकि कई बार बारिश आने के बाद खत्म होने के बाद जो है पूरा झाड़ा उठ जाती है वहाँ पर और बंद हो जाती है, उनके जो पानी जाने का जो रूट प्लान रहता है, उनके जो नाले रहती है बंद हो जाती, तो बंद होने के बाद क्या होगा, आज मुझे गाँव में घुस जाता पानी। तो हम लोग हुशार करे थे ऑलरेडी इनको, तो उसके बावजूद भी इन्हें हुशार नहीं है, उसके तरफ से आज जो किसानों को है भुगतना, उसकी सजा जो है किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के डीसी साहब को, तमाम तालुका के जो तहसीलदार हैं, और 10-20 तारीख तक पानी है और इसका टाइम किसानों का खराब आने वाला है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट समझिए, चाहे हुशार समझिए या उससे चेतावनी समझिए, मतलब जो हम ये करें आने वाले दिनों में इमीडिएट ये लोग रिलीफ फंड नहीं देंगे, आने वाले दिनों पे सर्वे नहीं करेंगे, इन लोग जाके जो है उनको अगर उनको जो मतलब जो बचाने का काम किसानों को नहीं करेंगे वो, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत बड़ा पैमाने पे हमारे जीडीएस यूथ की तरफ से हम बहुत बड़े पैमाने में हम स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और ज्यादा कम हो गया वो तो डीसी ऑफिस को हम जो है लॉक चाबी डालने का लॉक डालने का काम भी करते हैं, बोलिए आपकी इसकी मीडिया के थ्रू करो, क्योंकि इतना जो खराब टाइम आने के बाद ये डबल इंजन की सरकार सामने नहीं आती हो तो क्या है। अभी हमारे सीनियर्स और जो हमारी यूथ की टीम मिलकर सर्वे करने के बाद पूरे तालुका में दिख के आ रहा है कि भाई मकानों में भी बहुत बुरी तरह से हालत है, मकान भी आए दिन जो है गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आज ही देखिए एड्रामी के अंदर छत गिरने की तरफ से बहुत सारे लोग घायल हुए, एक जने कुछ तो मरे, अभी मैं इसमें देखा। और तमाम गाँव से तालुका से हमारे को फोन आ रहे हैं कि भाई किसानों के ऐसे प्रॉब्लम चल रहा था, हमारे वर्कर्स फोन कर रहे, तो अब तक क्यों नहीं है, इनका स्टेटमेंट क्या है, इन्हों जो है आराम से एसी रूम बैठने का इनका इतना ही काम, चाहे लीडर्स रहते हैं यहाँ के, इंचार्ज मिनिस्टर साहब रहते हैं, चाहे एमपी साहब रहते हैं, यहाँ के तमाम लोग आज तक उनका जाको उनका आंसू पोंछने का काम नहीं कर रहे। और इन्हों जो हमेशा देखने में आ रहा है कि परसेंटेज इनका कितना रहते हैं, 100% नुकसान होने के बाद इन्हों क्या मालूम है 60-70% तो 20% 30% गवर्नमेंट आगे आपको देती, मगर ये बार ऐसा नहीं है, ये बार 100% उनका नुकसान हुआ और 100% गवर्नमेंट चाहे क्या आगे आपको जो है इनका जो भुगतान है, इनका जो खराब हुआ है अमाउंट जो है 100% इनको देना चाहिए, और एक एक एकड़ पर एकड़ 30-40 हज़ार रुपए इनको एकड़ को देना चाहिए। अगर ये लोग नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर हम इसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं, और
ये जो घर गिरे हैं इनका भी कंपनसेशन नहीं दिया, जो मरे लोग हैं उसको उनका आज तक भी उन्होंने सामने नहीं है, उनका भी जो है मालूम कंपनसेशन दे रहा, और मरे तो वाले को मिनिमम से मिनिमम 25 लाख रुपए उनको देना, और अमाउंट देने से जान की कीमत नहीं लगती, मगर फिर भी उनके घर वाले को एक रिलीफ फंड देना, और उनके घर के एम्प्लॉइज जो है उनको गवर्नमेंट में जॉब देना। अगर वो भी चीज अगर उन्होंने नहीं करेंगे तो आने दिनों में ये दोनों इश्यूज के ऊपर हम यूथ टीम के तरफ से चुप नहीं बैठेंगे, आने वाले दिनों बहुत बड़े पैमाने पर एहतियात करेंगे। आपकी मीडिया के थ्रू बोलना चाहते हैं।